सिंधी लोग सब झूलेलाल को मानते हैं। आज से 1073 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। झूलेलाल जी कौन थे? झूलेलाल तो झूलेलाल थे ना। झूलेलाल बस सिंधियों का मतलब त्योहार है। ये मतलब इस दिन झूलेलाल का जन्मदिन हुआ था। इस खुशी में मतलब बच्चों को भी आजकल पता चले। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर है आज चेटीचंड महोत्सव, जो झूलेलाल महोत्सव है। बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ बनाया जावा लाग रहा है। बता दूं थाने, चेटीचंड महोत्सव क्यों बनाया जावे? क्योंकि सिंध प्रदेश के टट्ठा नामक नगर के अंदर एक राजा होया करता हो, मुगल राजा, जो बैठा का जो लोग है बने जबरदस्ती इस्लाम धर्म में जो धर्म परिवर्तन को है जोड़ डालियो और बने है 7 दिन की मोहलत दी, बने इस्लाम धर्म अपनाने खातर 7 दिन की मोहलत दी। भी आहत होके है जो धर्म का लोग सारा का सारा सिंधु नदी के बराबर के अंदर आ गया और बड़े बैठ के है समुद्र के किनारे भगवान की उपासना करी। भी दौरान 7 दिन के अंदर समुद्र के अंदर एक मछली के ऊपर कोई एक इसी आकृति की चीज दिखाई दी, जो है झूलेलाल जी। और बे बिग बाद में झूलेलाल जी की बैठे आकाशवाणी हुई कि झूलेलाल जी महाराज है, एक घर के अंदर जन्म ले होगा, बांगो अवतरण होगा। और बिग बाद में झूलेलाल जी महाराज को अवतरण होने के बाद के अंदर है जो धर्म की रक्षा करी और सिंधी समाज का लोग है जद झूलेलाल जी महाराज को है जो पूजा अर्चना करता हुआ लाग रहा है, बने मानता हुआ लाग रहा है। और आज अठे चेटीचंड महोत्सव के उपलक्ष्य के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर झूलेलाल महोत्सव बनाया जावा लाग रहा है, जी के अंदर हनुमानगढ़, नोहर, बादरा, गंगानगर, सूरतगढ़, जयपुर जीती दूर लोग है अठाइडा है। लगभग बता दे आप 30-40 जो पूज्य सिंधी पंचायत है बैठा का लोग अठे सारा का सारा आयडा है। आगे सके सग आप बातचीत करांगा, जानांगा महोत्सव के बारे में, क्योंकि झूलेलाल महोत्सव क्यों बनाया जाए और आखिरी महोत्सव की के परंपरा है। तो वीडियो में है जो अंत तक मर सके जरूर बने रही और ये वीडियो ने है शेयर जरूर कर दिया। बहन जी क्या नाम है? भावना पटेल वासवानी, हम लोग जयपुर से। बहन जी मेरे को तो पहले ये बताइए, आज झूलेलाल महोत्सव है, झूलेलाल महोत्सव क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया? झूलेलाल भगवान वरुण अवतार है, जो आज से 1073 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने उस समय जो अत्याचारी राजा थे, जो आक्रमणकारी थे, उन लोगों से सिंधी समाज की रक्षा की और पानी में उन्होंने अवतार लिया था। तो तब से हम लोग झूलेलाल भगवान को मानते हैं और हम सनातनी हैं। तो आज उसी के लिए मतलब पूरे हनुमानगढ़ का सिंधी समाज एक जगह इकट्ठा हुआ। हनुमानगढ़, नौहर, आसपास की सारी पंचायतें, लगभग 22 पंचायतें यहाँ पर है। गंगानगर से लोग हैं और कुछ लोग दिल्ली से, कुछ लोग जयपुर से। मतलब एक जिले की, एक तहसील की एक पंचायत होती है? नहीं, एक जिले में जितनी हमारी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग हर क्षेत्र में एक एक पंचायत होती है। जैसे हमारे जयपुर में जो है 82 पंचायतें हैं, ठीक है, और नौहर में और इसको मिला के शायद 22 पंचायतें काम करती है। अगर एक बहन जी अपने आंकलन करे तो आज कितने लोग आए होंगे? आज कम से कम 10 से 12 हजार लोग आए हैं। 12 हजार? तो 12 हजार लोग आज जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला में पहुंचे। आपका क्या नाम है माता जी? सुनीता विश्नानी। आप कहाँ के रहने वाले? जयपुर। जयपुर से फर्स्ट टाइम है हनुमानगढ़? हनुमानगढ़ पहली बार। फर्स्ट टाइम झूलेलाल महोत्सव में? झूलेलाल महोत्सव में। कैसा लगा हनुमानगढ़? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या अच्छा लगा? बस यहाँ जो इन्होंने इतना सिंधी का अपना मेरे झूलेलाल का प्रोग्राम रखा, बहुत अच्छा लगा। आपको मालूम है झूलेलाल महोत्सव क्यों मनाया जाता है? झूलेलाल का जन्मदिन मनाते हैं ना, चेटीचंड मनाते हैं ना। चेटीचंड? हाँ। झूलेलाल जी कौन थे? झूलेलाल तो झूलेलाल थे ना। सिंधी समाज इतना क्यों मानता है झूलेलाल जी को? वो तो झूलेलाल को मानते हैं, हमारा है ना आदर्श है झूलेलाल जी सिंधी समाज के। हाँ। तो कैसा रहा प्रोग्राम? अच्छा रहा। अच्छा रहा। हाँ। डांस किया आपने? नहीं, सुबह किया था। सुबह किया था? अब और नहीं करोगे? नहीं, अभी और नहीं करेंगे। क्या नाम है? कविता गोस्वामी। कहाँ से आए हो? जयपुर से। कैसा लगा प्रोग्राम? बहुत अच्छा लगा। डांस किया क्या आपने? नहीं, हमने नहीं किया, हमारा ग्रुप ने किया। कितना डांस किया? बहुत सारा किया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्याम चंदानी है। कहाँ से? जयपुर। हम लोग जयपुर। तो किसो लागो प्रोग्राम, किसो लागो थाना? बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का ये हमारे वरुण अवतार, उनके जन्मोत्सव 173 साल का है, वो मना रहे हैं और बहुत अच्छा लगा हमारा। हम जयपुर यहाँ पर गंगा, ये आपके हनुमानगढ़ में जो ये प्रोग्राम किया, पहली बार किया है और बहुत अच्छे लेवल पे किया है। आसपास के जितने भी आपके जिले हैं वो सब इसमें शामिल हुए हैं और सभी धर्म के, ऐसा नहीं है कि सिंधी धर्म, उसके अलावा अलग धर्म के भी इसमें खूब अच्छी तरीके से एंजॉय किया है, बढ़िया किया है, बहुत अच्छा किया है। ये क्या नाम है बहन जी? रेनू। कटेगा? रहना गांधीनगर। गांधीनगर। अच्छा, आज चेटीचंड को त्योहार है ना, चेटीचंड की के मान्यता है सिंधी धर्म के अंदर, सिंधी समाज में? झूलेलाल का जन्मदिन, इसलिए वो मासो उत्सव मनाते हैं।
सिंधी लोग सब झूलेलाल को मानते हैं, इसलिए चेटीचंड का ये मनाया जाता है मेला। आपका क्या नाम है? पूजा। कहाँ के रहने वाले? यही हनुमानगढ़ जंक्शन। हाँ जी। पूजा जी, क्यों बनाया जाता है ये झूलेलाल? बस सिंधियों का मतलब त्योहार है ये, मतलब इस दिन झूलेलाल का जन्मदिन हुआ था, इस खुशी में मतलब बच्चों को भी आजकल पता चले इसलिए ये मनाया जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा कैलाश। कहाँ के रहने? हनुमानगढ़ गांधीनगर। आज झूलेलाल महोत्सव है। हाँ जी। क्या जानते हो इस महोत्सव? महोत्सव ये 50 साल पुराना महोत्सव है। इस दिन झूलेलाल जी का जन्मदिन दिवस है, ये हर साल इसी तरह मनाया जाता है। क्या नाम है बेटा? है तुषार। कौन सी क्लास में पढ़े? सेकंड। आज कौन सा त्योहार है? आज झूलेलाल महोत्सव। क्यों मनाया जाता है? है? क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आज झूलेलाल का बर्थडे है। क्या नाम अंकल? नंद किशोर। खड़े कर रहना हनुमानगढ़ टाउन। अंकल चेटीचंड महोत्सव क्यों मनाया जाता है? ये हमारे झूलेलाल जी का जन्मदिन हुआ था। जन्मदिन ना हुआ था हमारा, इन्होंने उद्धार किया था हिंदू समाज पे जो अत्याचार हो रहे थे, उनका जो मीर था उनको उसका उसने पतन किया था। 7 दिन की जैसे मोहलत दी थी, वो प्रकट हुए थे पल्लों पे, प्रकट हुए थे मच्छी है जो मछली पर, मछली प्रकट हुए थे, उन्होंने मीर था जो उसका वध किया था। अच्छा, वो मेलो जो है मारो बिया 23 को हुआ है, चक्कर में मनाया हुआ है 23 जगह, तो 23 तारीख ने तो हर जगह पर मेलो हुआ है, नोर बादरा गंगानगर हनुमानगढ़ टाउन सुरेशी हर जगह पे हुआ है। तो 19 से वो महापंचायत को मेलो करे तो इनमें किए भाई अपने घर में ब्याह हुआ तो कोई बंदो आ कौन सके, अब महापंचायत को मेड़ो करे है तो वो क्या महापंचायत में मेड़ो यही कर करे है कि सारी पंचायत का लोग इकट्ठा हुआ है और मेड़ो बड़ी धूमधाम बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ है। आज आप आयडा हा हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा मंदिर धर्मशाला के अंदर और अठा है जो झूलेलाल महोत्सव को है, बड़ो ही हर्षोल्लास के साथ सिंधी समाज की और झूलेलाल महोत्सव बनाया जावा लाग रहा है। और दूर दराजू है जयपुर जीती दूर हूँ जो पूज्य सिंधी पंचायत है, आज अठा इकट्ठा होड़ी है और झूलेलाल महोत्सव को है आने जो बनाए जावा लाग रहा है और बी के तहत सारा का सारा सिंधी समाज का लोग इकट्ठा होड़ा पर लोगों से बातचीत करी और महोत्सव क्यों बनाई जाए जो झूलेलाल के बारे में अपनाने सारा है जो जानकारी थी। तो वीडियो थाने किसी लगी, वीडियो के प्रति थारी के राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके माने जरूर बतायो और ये वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। हमारे गाँव में या आसपास में की तरीके की कोई भी समस्या है तो मिस्टर डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, ये नंबर पर थे माना फोन करो मैसेज करो, मैं थारा गाँव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज़ उठाऊंगा। कैमरामैन विशाल के साथ है, मैं आशु थे देख रहे हो झलको हनुमानगढ़। अंतो माने दो इजाजत, मिला थारसा का अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।